नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com और मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। एक तरफ केंद्र सरकार उड़ीसा ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा दे रही है, तो दूसरी तरफ LIC भी उनके परिवारों की सहायता के लिए ट्रेन हादसे से पीड़ितों को राहत दे रही है। बीमा कंपनी ने पीड़ितों के क्लेम सेटलमेंट के लिए प्रोसेस को सरल बना दिया है। लोगों की सहायता को लेकर LIC के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती ने कहा कि ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे को लेकर पीड़ितों के परिजनों के लिए दावा निपटान प्रक्रिया में कई छूट दी गई है। इसके साथ ही मोहंती ने कहा कि शुक्रवार को बालासोर में हुए ट्रेन हादसे से दुखी हैं और LIC हादसे में प्रभावित लोगों को समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वित्तीय राहत देने के लिए क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस में तेजी लाएंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम ने LIC पॉलिसी और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के दावेदारों के लिए कई छूट देने का ऐलान कर दिया है और भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से कहा गया है कि रजिस्टर्ड डेथ सर्टिफिकेट के बदले रेलवे पुलिस या किसी राज्य और केंद्रीय अथॉरिटी की ओर से जारी की गई लिस्ट को मौत के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इसका मतलब है कि आपको डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए विभागों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, इस लिस्ट से भी डेथ क्लेम दिया जाएगा। वहीं लोगों की सहायता करने के लिए निगम ने मंडल और शाखा स्तर पर एक स्पेशल हेल्प डेस्क बनाया है और एक कॉल सेंटर नंबर 02268276827 भी जारी किया है। LIC का कहना है कि सभी दावेदारों तक पहुंचा जाएगा और प्रभावित परिवारों के दावों का तेजी से निपटारा किया जाएगा। बता दें, बीते दिनों उड़ीसा के बालासोर में 3 ट्रेन के हादसे में 288 लोगों की मौत हो गई और 900 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर आई। इस हादसे को लेकर सरकार भी तेजी से काम कर रही है और बुधवार से वहां ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। खबर यहीं तक थी, इसके साथ ही आप देखते रहिए पंजाब केसरी .com।